हे गाइस, तो चलिए आज हमने क्रॉसफिट की एक वॉच खरीदी थी, आई थिंक 3 या 4 मंथ पहले। तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैंने ये वॉच थी अपने लिए, खुद अपने लिए खरीदी थी। तो ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक था। मैं नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी वॉच थी और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही हाइयर था, बट इट वॉज गुड टू सी द प्राइज। बट एक्चुअली सडनली ये वॉच ना एक दिन मेरे से गिर गई। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक कॉर्नर था वो इम्पैक्ट हो गया। कॉर्नर जब से इम्पैक्ट हुआ है तो इसकी टच में भी इश्यू आया है। अभी इसकी टच रिस्पॉन्स भी प्रॉपर काम नहीं करता है। मैं इसको अभी स्विच ऑफ करता हूँ तो स्विच ऑफ नहीं हो रही है, और इसको स्क्रॉल कराऊँ तो स्क्रॉल में भी दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिपेयर करा लूँ। तो मैंने क्रॉसफिट से ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए। मेल के थ्रू मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया, तो जानने के लिए कोशिश की कि इसको मैं रिपेयर करा सकता हूँ तो कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो उन्होंने मेरे को मेल पे जो जवाब दिया वो बहुत ही असंतोषजनक था। आप यकीन नहीं करोगे गाइज कितनी ख़राब सर्विस कैसे हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप इन फ्यूचर कोई भी वॉच खरीद रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के कोई स्टैंडर्ड वॉच खरीद सकते हो। एप्पल की वॉच अगर आपको महंगी पड़ रही है तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं। बट बाकी जो ये अदर ब्रांड्स है जो 3-4 हज़ार रुपये में वॉच डील कर रहे हैं, जो अपनी वॉच बेच रहे हैं। जब ये वॉच मैंने खरीदी थी तो कंपनी ने क्लेम किया था आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। तो वारंटी बेसिकली होती है कि कोई डैमेज होता है इंटरनली, फंक्शनली कोई डैमेज होता है, बट ये कॉस्मेटिक डैमेज है जो मेरे मेरे खुद से इम्पेक्ट हुआ है। बट बेसिकली आपको सर्विस तो मिलनी चाहिए। अगर आप एक वॉच खरीद रहे हो, 3-4 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, बाई मिस्टेक अगर गिर जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आप रिपेयर भी कराना चाहते हो तो कुछ तो इसका कोई सोल्यूशन हो। बट उन्होंने जो मेरे को मेल पे जो रिवर्ट किया, इस वॉच की जो कीमत है वो 3 हज़ार रुपये है। उन्होंने मेरे को बोला कि ये इस वॉच को हम रिपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट करेंगे। उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 3499, बेसिकली 3500 रुपये। तो ये वॉच, नई वॉच आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से 3 हज़ार में खरीद सकते हैं, और जो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 3500 रुपये। गाइज क्या ये इसको जस्टिफाई करता है? तो आफ्टर डैट मैंने उनको मेल पे मेल किया, तो उनको मैंने रिवर्ट किया कि मैंने इसका रिव्यू भी किया है, मैंने लोगों को रिकमेंड किया है कि ये वॉच आप डेफिनेटली खरीदें। तो एट लास्ट उन्होंने जो मेरे को प्राइस बताया वो है 2499 रुपये। तो अभी भी मैं इस वॉच को किसी भी ऑफर में अगर खरीदना चाहता हूँ तो 2750 अराउंड इतने में खरीद सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे जस्ट ओनली 250 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे रियली ये सर्विस बिल्कुल ही बेकार लगी। और जो इनका सर्विस है, जो इनकी वारंटी है क्लेम करते हैं, और जो आफ्टर सेल जो सर्विसेज है वो बिल्कुल ही डिसगस्टिंग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन वॉच को इन फ्यूचर में ना खरीदे। मैंने इसको रिकमेंड किया था बट मैं अभी इसको नॉन रिकमेंड कर रहा हूँ। और जिसने ले ली वो ठीक है, आप इसको यूज़ किए कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि इसको कोई कॉस्मेटिक डैमेज ना हो, इन फ्यूचर आपको भी ये इशू ना हो जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो ये वॉच है जिसका कॉर्नर अभी इम्पेक्ट हो रखा है। तो हम ट्राई करते हैं इसमें कि टच रिस्पॉन्स इसका प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। एक मेजर कॉर्नर बिल्कुल इम्पेक्ट हो गया है। तो स्क्रीन अभी इसकी काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। टच भी आप कर पा रहे होगे, देख रहे होगे, मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन बार भी ओपन हो रहा है। सारे जो इसमें जितने भी फीचर हैं, जितने भी वो हैं, वो सब ओपन हो रहे हैं। बट मैं जब इसको राइट स्वाइप करता हूँ तो ये काम नहीं करती, क्योंकि इसका एक राइट कॉर्नर इम्पेक्ट हो रखा है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही है। और मेनली जब इसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करता हूँ तो इसको मैं स्विच ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये भी इसके राइट कॉर्नर में आता है। राइट कॉर्नर इम्पेक्ट होने के कारण ये इशू इसमें बहुत ही मेजर इम्पेक्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी अनोइंग है। तो ये था इसका जो ओवरऑल जितना इम्पेक्ट है, इम्पेक्ट से जो जो इसमें डैमेज हुआ है और जो जो दिक्कत आ रही है। ये अभी कुछ मेल्स हैं जिस पे मैंने क्रॉसफिट को ट्राई किया था कनेक्ट करने के लिए। उन्होंने मेरे को पहले 3500 रुपये चार्ज बताया, फिर 2400 रुपये बताया। ये तो कॉस्मेटिक डैमेज हो गया, जो मेरा इंटरनली डैमेज था उसमें उन्होंने मेरे को ये रिप्लाई किया और ये वाली सर्विस दी। अगर मे बी इन फ्यूचर अगर इसमें कोई वैसा इंटरनली कुछ डैमेज आता है या फिर फंक्शनली ये वर्किंग नहीं कर रही होती, तो मैं उनको अगर कॉन्टेक्ट करता तो उनका रवैया कैसा रहता, और एक्चुअल में उसको ठीक करते भी नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सर्विस के हिसाब से वो इसको ठीक कर दे। अगर ये अपनी ले ली, अगर चल रही है तो चल रही है,
अदरवाइज जब भी इसमें कोई इश्यू आता है तो आप यकीन मान के चलिए आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि इस वॉच को, और ऐसे टाइप की और भी डिफरेंट डिफरेंट वॉचेज आ रही हैं 2-3 हज़ार रुपये में, उनको ना लें। स्पेशली क्रॉसफिट को भी मैं बोलना चाहूँगा, जो आपकी सर्विसेज है वो बहुत ही ख़राब है, आप इसको इम्प्रूव करें। थैंक यू।